दोस्तों आपने टीवी सीरियल तो देखा ही होगा, मगर क्या आपको पता है इन सीरियल्स को एंटरटेनिंग बनाने के पीछे किनका हाथ होता है। इन सीरियल्स को एंटरटेनिंग बनाते हैं उनके एक्टर, जो अपनी कला को आपके सामने पेश करते हैं। दोस्तों आपने इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी तो देखी ही होगी, मगर क्या आपने इनकी ऑफ स्क्रीन जोड़ी देखी है, यानी कि इनके रियल लाइफ पार्टनर के बारे में जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपसे इन सीरियल्स के एक्टर की रियल लाइफ पार्टनर के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, नकुल मेहता। नकुल मेहता टेलीविजन इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्टर में से एक हैं, जो कि मुख्य रूप से हिंदी टेलीविजन में काम करते हैं। उन्होंने साल 2012 में प्यार का दर्द मीठा मीठा प्यारा प्यारा में आदित्य कुमार की भूमिका निभाते हुए अभिनय की शुरुआत की थी। बात करें आपसे इनकी वाइफ की, तो इन्होंने साल 2012 में पॉपुलर सिंगर जानकी परेख से शादी की थी। नंबर टू, अर्जुन बिजलानी। टेलीविजन इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर और हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं। अर्जुन ने अपना टेलीविजन डेब्यू हंगामा टीवी पर एकता कपूर के शो कार्तिका से किए थे। इन्होंने नागिन, इश्क में मर जावा, प्यार का पहला अध्याय जैसे पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुके हैं। अब आपसे बात करें इनकी वाइफ की, तो इन्होंने ईयर 2013 में पॉपुलर एक्ट्रेस नेहा स्वामी से शादी की थी। नंबर थ्री, नील भट्ट। इन्हें तो आपने स्टार प्लस पर आने वाला पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में सीरियल में एसीपी विराट के लीड रोल में देखा होगा। इस सीरियल में इनकी पत्नी के रूप में थी ऐश्वर्या शर्मा, जो कि इनकी रियल लाइफ पार्टनर भी हैं। इन्होंने ईयर 2021 में अपने को स्टार ऐश्वर्या शर्मा से शादी की थी। ऐश्वर्या शर्मा इस सीरियल में पत्रलेखा की भूमिका में नजर आ रही हैं। नंबर फोर, धीरज धूपर। धीरज धूपर को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर हैं। आपने इन्हें पॉपुलर टेलीविजन शो कुंडली भाग्य में करण लुथरा के लीड रोल को प्ले करते हुए देखा होगा। इस सीरियल में इनके वाइफ के रोल में है श्रद्धा आर्या। लेकिन बात करें आपसे इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी शादी हो चुकी है। ईयर 2016 में इन्होंने टीवी सीरियल की पॉपुलर एक्ट्रेस विनी अरोरा से शादी की थी। नंबर फाइव, शहीर शेख। शहीर टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्टर हैं, जिन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, और वो है अलबेला जैसे पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुके हैं। बात करें इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इनकी शादी हो चुकी है। इन्होंने ईयर 2020 में रुचिका कपूर से शादी की है। नंबर सिक्स, मोहसिन खान। मोहसिन खान को तो आप सभी जानते ही होंगे, ये पॉपुलर टेलीविजन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं कार्तिक के लीड रोल को प्ले किए हैं। इस सीरियल में इनकी वाइफ थी शिवांगी जोशी, जो कि पॉपुलर एक्ट्रेस हैं। दर्शक इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को काफी पसंद करते हैं। इसके अलावा मोहसिन ने कई म्यूजिक एल्बम में भी काम किए हैं। बात करें आपसे मोहसिन के रियल लाइफ पार्टनर की, तो फिलहाल अभी ये सिंगल हैं। नंबर सेवन, गौरव खन्ना। गौरव टेलीविजन के जाने माने एक्टर्स में से एक हैं। लोग इन्हें स्टार प्लस पर आने वाला पॉपुलर टेलीविजन शो अनुपमा में अनुज कपाड़िया के लीड रोल से जानते हैं। और इस सीरियल में इनकी वाइफ के रूप में है रूपाली गांगुली, जो कि अनुपमा के लीड रोल को प्ले की हैं। और बात करें आपसे इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इन्होंने ईयर 2016 में पॉपुलर एक्ट्रेस आकांक्षा चामोला से शादी की थी। नंबर एट, रणदीप राय। रणदीप टेलीविजन के वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं। प्रोफेशन से ये एक मॉडल और एक्टर हैं। इन्होंने बालिका वधू 2 और बड़े अच्छे लगते हैं 2 जैसे पॉपुलर सीरियल्स में काम कर चुके हैं। बालिका वधू 2 में इनकी वाइफ के रूप में थी शिवांगी जोशी। और बात करें आपसे इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो ये अभी सिंगल हैं। नंबर नाइन, मोहित मलिक। मोहित इंडियन टेलीविजन के एक अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। मोहित कुल्फी कुमार बाजेवाला जैसे सीरियल्स में काम कर चुके हैं, और ईयर 2023 में इनका नया शो आ रहा है बातें कुछ अनकहीं सी, जिसमें ये कुणाल का लीड रोल प्ले कर रहे हैं। और बात करें आपसे इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो ये ईयर 2010 में टेलीविजन एक्ट्रेस अदिति मलिक से शादी कर चुके हैं। नंबर 10, शालीन भनोत। शालीन को तो आप सभी जानते ही होंगे, बिग बॉस 16 के एक्स कंटेस्टेंट्स हैं। ईयर 2023 में शालीन पॉपुलर टेलीविजन शो बेकाबू में रनव प्रथम के लीड रोल को प्ले कर रहे हैं। बात करें आपसे इनके रियल लाइफ पार्टनर की, तो इन्होंने ईयर 2009 में टीवी सीरियल एक्ट्रेस दलजीत कौर से शादी की थी, और ईयर 2015 में इनका डिवोर्स हो चुका है, और फिर उसके बाद से ये अभी तक सिंगल हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।